वालेकुम दोस्तों मैं साजिद अली दोस्तों इस लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल इलेक्शंस जो पहली इलेक्शंस पाकिस्तान में मनकद हुई थी 1970 के दौरान उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान से वो जुदा हो गया था तो जनरल इलेक्शंस के बाद क्या क्या हुआ सिविल वार कैसे शुरू होती है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में थोड़ा कुछ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे लेकिन जो हमारा मेजर टॉपिक होगा वो जनरल इलेक्शंस 1970 का है तो दोस्तों इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के मुताबिक जो यहया खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान का उस वक्त था उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी असेंबली बनाई थी एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाए और उसके अलावा एक टम्प्रेरी जो नेशनल असेंबली भी बनाई थी उसके अलावा वन यूनिट वेस्ट पाकिस्तान को भी ख़त्म कर दिया था अब पाकिस्तान में चार सूबे वेस्ट पाकिस्तान की तरफ आ गए जैसे कि पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तनख्वा इस वक्त है जो उस वक्त था एन डब्ल्यू एफ पी और ईस्ट पाकिस्तान में एक सूबा ईस्ट बंगाल जो पहले था उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान भी उसको कह रहे थे तो अब कितने सूबे हो गए पांच सूबे हो गए और उसके अलावा जो अलग से रीजन्स थे जैसे कि ट्राइबल एरियाज हो गए और भी काफ़ी जो थे जैसे कि कश्मीर अलग से एक स्टेट थी वो डिस्प्यूटेड एरिया उस वक्त भी थी इस वक्त भी है तो ये जो जनरल इलेक्शंस थी इसमें जो टोटल आ, सीट्स नेशनल असम्बली में कितनी थी उसका मैंने एक चार्ट बनाया है वो कब मनद होती है उसके बारे में अब इंशाल्लाह अब डिस्कस शुरू करते हैं आ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ नेशनल असम्बली नेशनल असम्बली इलेक्शन रिजल्ट्स नेशनल असम्बली की जो रिजल्ट्स थी वो आ, क्या थी नेशनल असेंबली की आ, जैसे ही इलेक्शंस होती है उसकी रिज़ल्ट के मुताबिक ईस्ट पाकिस्तान मतलब ईस्ट की तरफ और वेस्ट पाकिस्तान में यहाँ जो चार सूबे आ गए तो उसकी दो हिस्सों में मैंने एक चार्ट बनाया है जैसे कि आपको समझने में आसानी हो और मैंने जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उसको यहाँ मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि जो मेजर सियासी जमातें थीं वो एक थी अवामी लीग और उसके अलावा दूसरी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने मेजार्टी में वोट्स जीते थे ठीक है तो ईस्ट पाकिस्तान में किसने जीता था अवामी लीग टोटल सीट्स कितनी जीती थी 160 सीट्स अदर जो इंडिपेंडेंट थे या अदर जो भी पार्टीज़ थी उन्होंने कितनी सीट्स जीती थी दो तो दोस्तों टोटल ईस्ट पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी सीट्स थी कितनी थी एक ठीक है अब वेस्ट पाकिस्तान में 138 टोटल सीट्स थीं तो, उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी सीट्स जीती थी 81, 81. और जो बाकी सियासी जमातें थीं तो उन्होंने कितनी सीट्स जीती इसमें इंडिपेंडेंट भी आ गए जो आज़ाद जो नुमाइंदे थे 57 तो ये जो टोटल कुल मिलाकर कितने हो गए 138 अब एक और एक को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल सीट्स हो जाएंगी 300 300 सीट्स थी नेशनल असेंबली में अच्छा ये थी रिज़ल्ट जो नेशनल असम्बली की इलेक्शन होने के बाद अनाउंस की गई थी ठीक है अब आ जाते हैं इलेक्शन कब मनद होती है इलेक्शंस टू नेशनल असम्बली नेशनल असम्बली कब मनद हुई थी सात दिसंबर 1970 को उसके अलावा इलेक्शन टू प्रोवेंशल असम्बलीज सूबाई जो असेम्बलीज थी सूबाई असम्बली में कब इलेक्शंस मन्कद हुई थी सत्रह दिसंबर नाइनटीन को उसके अलावा एक और आउटलाइन मैंने यहाँ पर लिखी है जो जो मैं पहले पढ़ रहा हूँ नाइन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन सेवनटीन जनवरी नाइनटीन वन इसका मतलब ये है कि नो सीट्स जो थी ईस्ट पाकिस्तान में उसकी इलेक्शन प्रोवंशल इलेक्शन जो थी आ, वो सत्रह जनवरी को मनकद करवाई गई थी क्योंकि वहाँ पर कुछ कुदरती आफत जो आ गई थी तूफान वग़ैरह जो सैलाब आया हुआ था इसीलिए जो बारह नवंबर 1970 के दौरान आया था तो उसी दौरान ये जो भी आ, आ, हुआ था इसीलिए ये इलेक्शंस पोस्टपोन की गई थी कुछ कॉन्स्टिट्युएंसीज़ की जिसमें नौ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की थी ईस्ट पाकिस्तान में उसकी पोस्टपोन करके 17 दिसंबर को नहीं हुई थी वो हुई थी 17 सत, जनवरी 1971 सौ को 17 जनवरी को हुई थी अच्छा ये अब आ गई इलेक्शन जो 1970 में इलेक्शंस हुई थी जिसकी ये रिज़ल्ट थी जो हमने अब जिस पर बात की और उसके अलावा अब हम आ जाते हैं जो हमारी दूसरी आउटलाइन है इसके बाद सेशन नेशनल असम्बली सेशन ऑफ नेशनल असम्बली नेशनल असेम्बली का सेशन कब हुआ था इलेक्शन के बाद और उसके बाद जो नेशनल असम्बली का सेशन हुआ था वो हुआ था या नहीं हुआ था उस पर जो मसाइल शुरू हो गए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे वो क्या थे तो अब हम उस पर बात करें सबसे पहली जो आउटलाइन है आ, मीटिंग बिटवीन यहया एंड मुजीब यहया और मुजीब के बीच में सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी जनवरी की शुरुआत में ही जैसे ही आ, रिजल्ट्स भी आ गई थी 1971 में ठीक है अब कहाँ पर हुई थी ढाका ईस्ट पाकिस्तान का वो कैपिटल सिटी है अच्छा उसके बाद जो डिस्कशन उसमें हुई थी वो किसके मतलब हुई थी सिक्स पॉइंट्स पर क्योंकि जो रहमान ने इलेक्शंस जीती थी उसका जो बुनियाद था बेस था वो था प्रोवेंशल आटोनॉमी स्पेशली सूबा ख़ुद मुख्तारी और उसके अलावा सिक्स पॉइंट्स जो उसने इंट्रोड्यूस किए थे अच्छा उसके अलावा दूसरी जो मीटिंग हुई थी भुट्टो जुल्फ़कार अली भुट्टो जो वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का लीडर था पीपल्स पार्टी का लीडर था वेस्ट पाकिस्तान में मेजार्टी के साथ उसने जीता था मेजार्टी में जुल्फ़कार अली भुट्टो और मुजीब रहमान के बीच में लास्ट एट द एंड ऑफ जनवरी 1971 में आ, मीटिंग हुई थी अच्छा उसके बाद जैसे ही वो भी ढाका में हुई थी ये जो भी लीडर्स के बीच में जो मीटिंग्स हुई थी उसमें जो डिस्कशंस होती थी वो स्पेशली ये होती थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान के जो भी पॉलिटिशन्स थे स्पेशली जुल्फ़ार अली भुट्टो या तो यहाँ खान जो भी थे वो रहमान को ये कह रहे थे कि आप कुछ कंप्रोमाइज़ कर लें सिक्स पॉइंट्स पर डायलॉग कर लें लेकिन जो रहमान था उन उसने रिफ्यूज़ कर लिया इनकार कर लिया उसने कहा जो ये आने वाला जो आइन होगा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का होगा वो सिक्स पॉइंट्स के बुनियाद पर होगा ठीक है तो ये एक पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड एक मसला था जिस पर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सक आ, कर सकते थे और बात आगे नहीं बढ़ रही थी अच्छा उसके बाद जो हमारी आउटलाइन है मुजीब आस्कड फार यह टू कन्वेन सेशन सेशन ऑफ नेशनल असेंबली ऑन 15 फ़रवरी 1971 अब जैसे ही ये मीटिंग्स भी हो रही थी तो उस वक्त मुजीब रहमान ने यहया को कहा कि आप नेशनल असेंबली का सेशन मनक़द करवाएं वो भी 15 फरवरी तक उससे या तो पहले लेकिन 15 फरवरी के बाद नहीं मुजीब रहमान की ये डिमांड थी भुट्टो जुल्फ़कार अली भुट्टो वो आ, उसकी ये डिमांड थी उस वो आ, जो आ, सेशन था नेशनल असम्बली का उसमें जाने के लिए तैयार नहीं था जो भी उससे रिलेवेंट उससे जो एलाइज पार्टीज़ थी उसके साथ थी या उसके जो भी मेंबर्स थे पीपल्स पार्टी के उन लोगों को भी मना कर दिया था कि अगर आप नेशनल uh, असम्बली के सेशन में कोई भी बंदा वेस्ट पाकिस्तान से जाएगा तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे ये जुल्फ़ार अली भुट्टो के अल्फाज थे ठीक है जो uh, कुछ राइटर्स अपने किताबों में लिख रहे हैं इस्पेशली हामिद ख़ान ने अपने किताब में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में अच्छा उसके बाद Uh, जो हमारी आगे वाली आउटलाइन है यह खान ने फाइनली अनाउंस कर दिया यह अनाउंसड द डेट फॉर सेशन ऑफ नेशनल असम्बली ऑन थर्टीन फेबरवरी तेरह फेबरवरी को उसने अनाउंस किया कब अनाउंस किया तेरह फेबरवरी 1971 को 1971 को अनाउंस किया क्या अनाउंस किया कि तीन मार्च 1971 को नेशनल असेंबली का सेशन होगा उसके बाद जो रिएक्शन होता है पीपल्स पार्टी का या वेस्ट पाकिस्तानी जो सियासतदान थे स्पेशली भुटो जुल्फ़कार अली भुटो कॉल्ड फार स्ट्राइक स्ट्राइक ऑन 15 फ़रवरी 1971। जैसे ही 13 फ़रवरी को 1971 को याया खान ने अनाउंस किया ये ऐलान किया कि आ, नेशनल असम्बली का सेशन 3 मार्च को मन्कद होगा तो उसके बाद 15 फरवरी 1971 को जुल्फ़ार अली भुट्टो ने कहा कि 2 मार्च 2 मार्च 1971 को हम स्ट्राइक करेंगे हड़ताल करेंगे जो भी सियासतदान हैं फ्राम खैबर टाची हम मार्च करेंगे किसने कहा जुल्फकारो ने कहा कब करेंगे दो मार्च को अनाउंस कब किया पंद्रह फेबरवरी उन्नीस सौ इकहत्तर को इन शे समझ में आ गया होगा अब आगे चलते हैं जो आउटब्रेक शुरू होती है आउटब्रेक ऑफ सिविल वार जो सिविल वार शुरू होती है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में अब वो कैसे शुरू होती है अब जैसे ही खान पहली आउटलाइन स्टडी करें उसको रीड करें यह पोस्ट, पोस्ट द सेशन ऑफ नेशनल असेंबली ऑन फर्स्ट मार्च 1971, फर्स्ट मार्च जैसे ही फर्स्ट मार्च 1917 का दिन आया ने ये ऐलान किया कि नेशनल असम्बली का सेशन कैंसिल पोस्टपोन कर दिया जाता है फ़िलहाल उसको डिले कर दिया जाता है जैसे ही यहाँ खान ने अनाउंस किया तो एक सिविल वार शुरू हो गई एक जंग शुरू हो गई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एक जंग शुरू हो गई अच्छा उस वक्त ये स्टार्टिंग क्या थी जंग की मुजीब ये आउटलाइन पढ़ें मुजीब स्टार्टेड स्ट्राइक ऑन तीन मार्च 1971 अब जैसे ही याया खान ने 1 मार्च 1971 को अनाउंस किया कि नेशनल असम्बली का सेशन पोस्टपोन कर दिया जाता है तो उस वक्त जो मुजीब रहमान ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग का लीडर था वहाँ पर मेजार्टी के साथ उसने मेजार्टी में जीता था तो मुजीबर रहमान ने हड़ताल का ऐलान कर दिया किस तारीख़ को थर्ड मार्च 1971 को अब हो होती है शुरू एक सिविल वार शुरू होती है उसके बाद जो वाली जो आउटलाइन है यह अगेन अनाउंस अब फिर से वो ऐलान करता है कौन यह द सेशन ऑफ नेशनल असेम्बली नेशनल असम्बली का जो सेशन है वो अब होगा फिर से अनाउंस करता है किस तारीख को अनाउंस करता है सिक्स मार्च 1971 को कौन यहया खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कब अनाउंस किया छः मार्च 1971 को कब होगा जो सेशन पोस्टपोन होने के बाद कब 25 मार्च 1971 को 25 मार्च 1971 को अब फिर से जो होगा नेशनल असेंबली का सेशन होगा पहले वाला जो पोस्टपोन हो गया वो हो गया लेकिन अब बात नहीं बन रही थी अब जो ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स चल रहे थे अब जो वहाँ के लोग थे वो बागी हो गए थे और इसी दौरान यहिया खान और जुल्फकार अली भुट्टो में लाड़काना में भी मीटिंग होती है एक खुशगवार मौसम में तो उसी मीटिंग का भी असर ईस्ट पाकिस्तान पर पड़ता है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स पॉलिटिशियंस हैं वो अभी तक हमें अपने अंडर में रखना चाहते हैं हमारी जो हमारे जो हक हैं बुनियादी हकूक वो हमें नहीं देना चाहते उस मीटिंग ने भी असर छोड़ा था उस वक्त अच्छा उसके बाद जो आउटलाइन क्या है यह वेंट ढाका उसके बाद जैसे ही ये मसाइल हल नहीं हो रहे थे अब प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हो रहे थे अब जल से जुलूस ख़त्म नहीं हो रहे थे तो उस वक्त यह अपनी टीम के साथ ढाका जला चला जाता है टू रिजॉल्व पॉलिटिकल डेड लॉक यह वहाँ पर सियासी जो मसाइल हल करने के लिए चला जाता है बट ही फेल्ड लेकिन वो फेल हो जाता है नाकाम हो जाता है ऑन फिफ्टीन मार्च कब गया था पंद्रह मार्च को वो गया था लेकिन फाइनली अट्ठारह मार्च नाइनटीन सेवेंटी वन को Uh, रहमान की टीम और रहमान उसको उससे फाइ फाइनली टोटल इनकार कर देता है कंप्रोमाइज करने के लिए और आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता जो इसी महीने में रहमान एक अलग से प्राइवेट अपनी गवर्नमेंट चलाना शुरू कर देता है ईस्ट पाकिस्तान में और उसके अलावा जो हमारी आउटलाइन है अवामी लीग वाज बैंड अब बात नहीं बनी वेस्ट पाकिस्तान के जो भी लीडर्स थे यया खान अब वो वापस आ गए अब बात आगे नहीं बढ़ रही थी तो अवामी लीग जो शेख रहमान की सियासी जमात थी उस पर बैन लगा दिया गया उसके अलावा मिलिट्री एक्शन अब मिलिट्री एक्शन शुरू होता है अब डंडे का राज शुरू होता है बिगेन ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मार्च 1971 वन को अब मिलिट्री एक्शन शुरू होता है अब आर्मी भी भेज देते हैं ईस्ट पाकिस्तान में कब पच्चीस मार्च 1971 सेवेंटी वन को कि वो वहाँ जाकर जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको गिरफ्तार करें या उसको आ, फोर्सली पीछे कर दे ख़त्म करे इस स्ट्राइक को और उसके अलावा मुजीब रहमान को भी अरेस्ट कर लिया जाता है उस दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जनरल इलेक्शंस के बारे में जनरल इलेक्शंस जो पाकिस्तान में पहली बार डायरेक्ट जनरल इलेक्शंस हुई थी उसका नतीजा जो निकला उसके बाद जो आ... उसके बाद जो असरात हुए थे इसकी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया पाकिस्तान से तो वो क्या हुए थे इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा इन वो होगा सेप्रेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बंग्लादेश हमसे कैसे आज़ाद हो जाता है इनशाला अब उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू टेक केयर अल्लाह हाफिज़